हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपुल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन डुप्लीकेट ओरिजिनल और नकली हाई स्टार सेल के बारे में। ये तीन सेल हमारे पास रखे हुए हैं। देखिए, इसमें एक ओरिजिनल है, एक डुप्लीकेट है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। साइड बाई साइड हमारे पास आ गए हैं, आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। वेट में क्या डिफरेंस होता है, आईआर वगैरह में क्या रहता है डिफरेंस, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और यहां पे हमारे पास ये है आईआर मशीन, और यहां पे आपको दिख रही होगी ये वेट मशीन रखी है। ये हमारे पास, ये देखिए, ये गैंग पैंक का रखा हुआ है लिथियम का सेल। अभी हम ये सेल कर रहे थे। इस पर 105 से 107 ईयर्स के आसपास कैपेसिटी निकलती है। अगर हमने इसको 0.2 सी डिस्चार्ज रेट से अगर हम डिस्चार्ज करें तो इसमें कैपेसिटी निकल के आती है 105 ईयर्स। इस पर ये हाई स्टार का ओरिजिनल सेल है। ये देखिए, यहाँ पे आप चारों तरफ से मैं इसको दिखा भी देता हूँ। इसका आईआर वगैरह मैं आपको सब चेक करके दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे इस पर कुछ बारकोड वगैरह लिखे हुए हैं, लेकिन बारकोड वगैरह से आप उसको जज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अपीरेंस देख लो, अपीरेंस मैं आपको दूसरे सेल का भी दिखाऊंगा और उसमें भी आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या ओरिजिनल है क्या नहीं है। आईआर से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और स्टिकर की यहाँ तक बात रही, अगर आप बोलेंगे स्टिकर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो ऐसे स्टिकर मैं यहाँ पे कटनी में खुद अपने सिटी में बनवा के चिपकवा सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है ओरिजिनल डुप्लीकेट में। स्टिकर से आप उसको जज मत करिएगा। आपको एक पर्टिकुलर पार्टी से ही, जिसके आपको भरोसा है, वो आपको डुप्लीकेट भी दे, मतलब जो आपको जिस पार्टी पे आपको भरोसा है वही आपको क्या दे सकती है, ओरिजिनल माल दे सकती है। या तो डुप्लीकेट माल भी सेल हो रहा है मार्केट में, हमारे पास भी आया था। और यहाँ पे आप देखेंगे ये डुप्लीकेट वाला है। यहाँ पे आपको दूसरी साइड का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी पैकिंग में पन्नी की क्वालिटी अलग है, डुप्लीकेट वाले की शायद थोड़ी सी हल्की लग रही है देखने पे। और यहाँ से आप सेल के ऊपर वगैरह देखेंगे तो बाकी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, ये सेल है, डुप्लीकेट वाला है। आईआर वगैरह मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, वेट भी टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले गैंग पैंक का दिखा देता हूँ। क्यूआर सबके स्कैन हो रहे हैं, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये इसका ये क्यूआर है, ये भी स्कैन हो रहा है और ये भी स्कैन हो रहा है। इस पर भी आप स्कैन करोगे तो ये नंबर जो इसमें लिखा हुआ है ना, वही लिख के आएगा। इसमें भी स्कैन करोगे तो ये नंबर इस पर लिखा हुआ है वो लिख के आएगा। ये क्यूआर लिखने वाली मशीन से अगर आप $500-600 अगर आप लार्ज क्वांटिटी में लेते हो, तो चाइना वाले आपका क्यूआर आपकी मर्ज़ी का क्यूआर बना देंगे। ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि जो उसको डुप्लीकेट का अगर काम करता है जो, वो आपको ओरिजिनल नकली सेल में भी आपको क्यूआर लगा के देगा, वर्किंग कंडीशन में होगा। और बिल्कुल ये अनयूज सेल है, आपको यहाँ से कहीं से फूला हुआ भी नहीं। आप देखेंगे साइड से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, कहीं से ये फूला हुआ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये फूला हुआ भी नहीं है बिल्कुल भी, और ना ये फूला हुआ है। ये देखिए, ना ये सेल फूला हुआ है। ये 100 EH का, इस पर 110 EH के आसपास निकलती है। इसका टेस्ट रिज़ल्ट मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा। ये हमारे पास इसका टेस्ट रिज़ल्ट है, वो मशीन से अलग से हमने टेस्ट करवाया हुआ है, वो उसका ये कैपेसिटी टेस्टिंग मशीन से टेस्ट नहीं किया हुआ। उसका टेस्ट रिजल्ट हमने दूसरे तरीके से टेस्ट करवाया है, वो मैं आपको उसमें दिखा दूंगा। और कुछ समय बाद आपको अलग टेस्टिंग का वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट के फॉर्म पे होगा, शॉर्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा। और ये है तो डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम है। अभी मैं आपको पहले आपको सबको आईआर चेक करके दिखा देता हूँ। डुप्लीकेट वाले का आईआर ज़्यादा है अभी, और लेकिन कुछ बहुत सारे हमने सैंपल भी टेस्ट करे तो ऑलमोस्ट सेम भी था आईआर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आईआर टेस्टिंग मशीन है। ब्लैक वाला इसमें क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाइट वाला जो है नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं इस प्रकार से। देखिए 0.273 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये इसका आईआर है। और वोल्टेज है 0.25 के आसपास मैं इसको मान लेता हूँ, इसका आईआर है। और इसमें आप देखेंगे इसकी जो थ्रेडिंग है वो बहुत शानदार क्वालिटी, एकदम चमक रही है अंदर से। यहाँ पे आप देखेंगे ये बिल्कुल गैंग फेंग ए ग्रेड है, और इसकी क्वालिटी एकदम अच्छे तरीके से चमक रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये, लेकिन हाई स्टार का थोड़ा सा कम चमक रही है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे आप, इसमें वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये भी अंदर से क्या है, पूरी तरीके से चमक रही है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाला भी है। इसमें एक एल्युमिनियम का होता है, एक दूसरे का होता है। इसका मैं आपको आईआर टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। और ये हमने लगाई मशीन पे, मशीन कहाँ पे, ये मशीन है, और ये लगाया हमने। इसका आया 0.277, जितना उसका आया था गैंग फेंग का, लगभग इसका भी क्या है उतना ही आया है, 0.2 के आसपास ही है इसका, 0.27 के आसपास है।
और ये आई स्टार का डुप्लीकेट आ गया हमारे पास, और डुप्लीकेट वाले का भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। स्टिकर से आप बिल्कुल अंदाजा लगाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि स्टिकर से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट है। और इसका IR ये देखिए, इसका ये IR मैंने आपको दिखाया, ये देखिए इसका 3.245 वोल्ट है, 0.6 के आसपास का IR है, लेकिन मेरे पास 0.270 जिसका 0.3 के आसपास IR के भी मेरे पास सेल थे, वो मैंने रिटर्न करवा दिए हैं। 0.3 के आसपास IR वाले सेल भी थे, तो आप IR से भी अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। 50 जो आपने वो वीडियो देखा था, जो पुराना वीडियो था, मैंने जिसमें 52H निकले था, उसमें 0.3 के IR के भी सेल थे, 0.3-0.4 के आसपास IR से थे, उनके सेल भी थे, 0.2 के भी सेल थे, अलग अलग सेल थे। हमने सारे टेस्ट किए हैं, ग्रेडिंग करके रखा हुआ था, IR के हिसाब से भी ग्रेडिंग करके रखा हुआ था, लेकिन उसमें भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैंने आपको सबका IR दिखा दिया, यहाँ से IR और वोल्टेज दिखा दिया। एक हमारे पास एक और हाई स्टार ओरिजिनल है, तो हाई स्टार ओरिजिनल का मैं आपको एक और क्या दिखा देता हूँ, IR चेक करके दिखा देता हूँ। ये है, ये देखिए पॉइंट अच्छे से लग गया, इसमें भी लगभग 0.2 के आसपास ही आता है, 0.3 नहीं आता। ये देखिए 0.2, जितना अच्छा कनेक्शन आप ये मशीन से लगाएंगे, 0.27 के आसपास क्या आ रहा है, इसका IR आ रहा है, यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहा। ये 0.3 के आसपास का IR स्टेबल हुआ, 0.7 भी आ रहा है, 2.7 कनेक्शन के हिसाब से। और यहाँ पे आप देखेंगे ये थ्रेड, इसकी भी चमक रही है, यहाँ भी आप देखेंगे इसकी भी थ्रेडिंग क्या है, पूरी तरीके से चमक रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी थ्रेडिंग थोड़ी सी कम चमक रही है, अंदर से आप देखेंगे हल्की सी इसमें चमक क्या थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे भी देखेंगे इसमें क्या थोड़ी सी चमक कम है, लेकिन आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कहूँगा मैं आपको, बताना चाहूँगा कि देख के बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सा ओरिजिनल कौन सा। अगर मैं इसका स्टिकर निकाल के इसमें लगा दूँ, और इसकी जो पन्नियाँ हैं वो पन्नी अगर इसमें अच्छी क्वालिटी की चढ़ा दूँ, तो देख के बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट है। अभी एक एक करके हम क्या करते हैं, वेट करके आपको दिखा देते हैं सारे सेल्स का। ये वेट मशीन आ गई हमारी, ये एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये गैंगफेंग का हम टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। ये गैंगफेंग का सेल है, 100 AH पे, 105 AH के आसपास कैपेसिटी, 2 किलो 190 ग्राम, मतलब 2 किलो 200 ग्राम के आसपास सेल है। इसका भी QR वर्किंग कंडीशन में है, ये हाई स्टार डुप्लीकेट है। हाई स्टार डुप्लीकेट हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसका 2 किलो 200 ग्राम है लगभग, इसका भी वेट है 2 किलो 250 ग्राम के आसपास वाले वेट भी थे हमारे पास, थोड़ा बहुत अंतर चलता है बड़े सेलों में। और ये इसका आएगा 2 किलो 268 ग्राम, ये ओरिजिनल है हाई स्टार का, 2 किलो 268। और ये है 2 किलो 250 ग्राम के आसपास। तो हाई स्टार ओरिजिनल भी मैंने आपको दिखा दिया, हाई स्टार डुप्लीकेट भी आपको मैंने दिखा दिया, सारे सबका साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखा दिया आपको। देखने में यहाँ पे आप अगर आप सामने होते तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आता। यहाँ देखेंगे पूरी स्लीव वगैरह है, सब चमक रही है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, अगर आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पे आप इसको उखाड़ के दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है कि ये सेल यूज्ड है। यहाँ पे आप QR वगैरह दिख रहा है, जो QR स्कैन करेंगे तो आपको ये नंबर जो दिखाई दे रहा है, यही नंबर आपको करेगा दिखाई देगा। ओरिजिनल वाले में भी सेम दिखाई देता है, और डुप्लीकेट वाले में भी सेम दिखाई देता है। इसको मैं उखाड़ता हूँ, यह स्टार ओरिजिनल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यह स्टार ओरिजिनल दिखा रहा हूँ। इसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं है, दोनों में लगभग क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देख के बता पाना एंड रिजल्ट में आपको कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा, एंड में आपको सिर्फ यही कहूँगा कि देख के बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको किसी पार्टी पे भरोसा करना पड़ेगा, या फिर आपके पास टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए, तब आप टेस्ट करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, ओरिजिनल माल मिल सकता है, नहीं तो आपके पास डुप्लीकेट माल भी आ सकता है। अगर आप हमसे लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे पास जो आपको मटेरियल मिलेगा वो ग्रेड ए क्वालिटी का मिलेगा, डुप्लीकेट मटेरियल नहीं मिलेगा। ये जो था, ये 4 सेल हमने किसी कस्टमर को भेजे हुए थे, यहाँ पे साइड में ये रखे हुए हैं, ये हमने वापस मंगवाए हुए थे,
ये हमने सेल वापस मंगवाए हुए थे कस्टमर से, और उनको अभी ये ओरिजिनल मटेरियल क्या है चला गया, गैंग पैंग को उन्होंने ले लिया था, उससे हमारे पास गैंग पैंग अवेलेबल था तो हमने गैंग पैंग उनको सेल कर दिया रहा। और हाई स्टार हमने क्या करी तो उनसे रिटर्न मंगवाया था। बहुत सारे कस्टमर थे, 50 से ऊपर के सेल थे जो थे हमने कस्टमर को भेजे हुए थे, और क्या था वो माल नकली निकल गया, उसमें कैपेसिटी नहीं आई, इस कारण से हमको क्या करना पड़ा वापस बुलाना पड़ा। और हमने उन सारे सेलों को वापस बुलाया अपने खर्चे पे, कस्टमर से अलग से कोई भी चार्ज नहीं लिया, और उनको वापस से दोबारा सेल भेजे ओरिजिनल। जितने भी पार्टी को हमारे पास से गया था वो सारे कमेंट में अपने पिछले वीडियो पे भी बताया हुआ है, कई लोगों ने कमेंट करके हाँ मेरे हमारे सेल थे और उनको हमने गैंग पैंग के सेल सेंड किए थे। हाई स्टार भी अवेलेबल हो गया है, हाई स्टार भी आप ले सकते हैं, कैपेसिटी टेस्ट वीडियो आ जाएगा ये आज या कल में ही आ जाएगा। टेस्ट होने के बाद ही क्या होगा आसपास के टेस्ट, जब उसका रिजल्ट आ जाए टेस्ट कर लेंगे हम, उसके आसपास ही हम क्या करेंगे इसका ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको अपलोड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।